नमस्कार दोस्तों, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। दीज इक्विपमेंट्स आर बीन यूज इन वेरियस काइंड ऑफ सेक्टर रिलेटेड टू स्पेस, मोबाइल फोन्स। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक का बहुत स्ट्रांग है, स्टॉक के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। तो फ्यूचर में इस स्टॉक की मुझे लगता है ग्रोथ काफी अच्छी होने वाली है। स्मॉल कैप कंपनी जरूर है, बट ग्रोथ पॉसिबिलिटीज आर मोर। तो इस स्टॉक के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। आज का स्टॉक स्टार था क्योंकि काफी अच्छा अपमूव था स्टॉक में आज, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद स्टॉक का चार्ट देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, एंड इन द एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट वी हैव टू डू विद दिस स्टॉक एंड आई विल गिव माय ओपिनियन आल्सो। सो वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिस्क्रिप्टिव। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल अपलोड द वीडियोस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एज यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। सो कंपनी वाज फाउंडेड इन 1958 इन कोलैबोरेशन विद वेस्टिंग हाउस ब्रेक एंड सिग्नल यूके। दिस इज यूके कंपनी। हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड हैज लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग पावर सेमी कंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। दोस्तों, ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये काम आते हैं बहुत तरह के इक्विपमेंट्स में, विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। अगर इक्विपमेंट की बात हम यहाँ भी करें तो आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स, हाई करंट इक्विपमेंट्स लाइक योर ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल प्रोडक्ट्स, रेक्टिफायर्स, ट्रांसफार्मर्स, कन्वर्टर्स एंड इन्वर्टर्स। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो पावर डायोड्स, थायरिस्टर्स, पावर मॉड्यूल्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट। तो अगर आपका कोई टेलर मेड रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, दैट कैन ऑल्सो बी गिवन टू दिस कंपनी बिकॉज दे आर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग। तो अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये बहुत बेसिक से प्रोडक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की हम लोग बात करें तो इन प्रोडक्ट का मार्केट में मांग बहुत है। अब आगे इनका बिजनेस कैसा था पास में, वो भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज के इस स्टॉक के मूवमेंट की बात करें तो 5.91% का मूवमेंट था, अप मूवमेंट था इस स्टॉक में। अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी इज वेरी इंप्रेसिव, 54% से ज्यादा की डिलीवरी थी। तो डिलीवरी की भी बात करें और स्टॉक के प्राइस की बात करें तो आज स्टॉक ने काफी अच्छा किया। अगर स्टॉक के मैं चार्ट की बात करूं, यहां मैंने मैक्सिमम चार्ट निकाला तो आप देख सकते हैं 2014 से कंटिन्यूअसली स्टॉक ने अपमूव दिया है, कंटिन्यूअसली अपमूव में था। उसके बाद जरूर आप कह सकते हैं एक साल के आसपास स्टॉक कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा स्टॉक ने बहुत अच्छा अपमूव दिखाया। लेकिन मार्च के बाद से जब स्टॉक करेक्ट हुआ है, अभी तक इट हैज नॉट अचीव्ड इट्स प्री कोविड लेवल्स विच वर आप देख सकते हैं 255 रुपए के आसपास थे। तो अगर स्टॉक ये लेवल भी अचीव करता है तब भी आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 80% से ज्यादा का आपको गेन मिल सकता है। अब इसके हम लोग फंडामेंटल की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है, मार्केट कैप कंपनी की बहुत कम है, 273 करोड़ का ही मार्केट कैप है। सो वी कैन से इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी, और रादर वी कैन से इट इज अ माइक्रो कैप कंपनी। पी रेशियो की बात करें तो 20 का है, जो बहुत इंप्रेसिव है। वैल्यूएशन स्टॉक के काफी अच्छे हैं। अगर डेट की बात करें तो जरूर कंपनी के ऊपर डेट है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ इज आल्सो ओके। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसा कि हम बोलते हैं 20% से ऊपर होनी चाहिए किसी कंपनी की, दैट इज मोर देन 20%। सो अगर इस लिहाज से भी देखें तो कंपनी अच्छी लग रही है। उसके बाद यहाँ भी इस कंपनी को आप देख सकते हैं 4 स्टार दिए गए। दोस्तों, अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और प्रमोटर की होल्डिंग 42.25 है दिसंबर 2020 की बात करें तो। पहले मार्च में 42.2 होती थी, थोड़ी बहुत प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो ये चीज इट इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट। दोस्तों, अब ईयर टू ईयर प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है। 2018 में 1.31 था,
2019 में 11.79 एंड मार्च 2020 18.48। तो कंपनी कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा रही है, और अगर रिजर्व्स भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स भी कंपनी के कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। दोस्तों रिजर्व्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि रिजर्व्स जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो साल दर साल रिजर्व्स में जमा कर दी जाती है। मतलब मान लीजिए इस साल मैंने 100 रुपए कमाए, मेरा नेट प्रॉफिट कंपनी का 100 रुपए था, तो जब मेरी बैलेंस शीट अपडेट होगी तो जो मेरा 100 रुपए होगा वो जाके रिजर्व्स में जुड़ जाएगा। तो रिजर्व्स का बढ़ना मतलब प्रॉफिट्स का भी बढ़ना मोटा मोटा आप ये बोल सकते हैं। दोस्तों अब इसको टेक्निकली देख लेते हैं कि स्टॉक में चल क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्च से पहले का लेवल 265 के आसपास का था, लेकिन अभी अगर स्टॉक के प्राइस की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 165 के आसपास, क्योंकि अगर आज का प्राइस जैसे हमने देखा 165 रुपीज था जिसमें स्टॉक ने क्लोजिंग दी। तो अगर ये सारी चीजें देखें तो मार्च के पहले के लेवल को भी अगर स्टॉक अचीव करता है तब भी हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा के भी स्टॉक के रिटर्न है। मार्च के बाद जब स्टॉक में करेक्शन आया तो रेंज बाउंड मूवमेंट था स्टॉक का पिछले कुछ दिनों से, आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया है। ये जो इसके ऊपर वाला लेवल है ये अभी इसके सपोर्ट का काम करेगा। ये दो सपोर्ट मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो डेफिनेटली ये दोनों लेवल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। आज की बात करें तो आज स्टॉक में काफी अच्छा अपमूव था, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है जिसपे स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है काफी पुराना रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं दिस इज अ वेरी ओल्ड रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस को स्टॉक तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल वो होंगे जो रिसेंटली इसने अचीव किए थे विच इज 178, और अगर 178 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 197 के मुझे नेक्स्ट लेवल आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट को बुलिश रहना है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो डेफिनेटली ऑपरेटर एक्टिविटी भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टॉक के जो फाइनेंशियल्स देखने से मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली भी कंपनी काफी अच्छी है। अभी मैं आपको डेफिनेटली दोनों प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो ये वाले लेवल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। अब इसके मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स की तरफ लेके चलता हूं। तो दोस्तों अगर स्क्रीनर पे हम लोग चेक करें तो आप देख सकते हैं कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 48.3% CAGR ओवर लास्ट 5 years। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि कंपनी प्रॉफिट 48% से बढ़ा रही है, और वो भी अगर हम लोग 5 साल की बात करें 48.30 CAGR इज अ वेरी गुड वैल्यू। अगर कॉन्स की बात करें तो ऑन दिस प्लेटफॉर्म दे डिड नॉट फाइंड एनी नेगेटिव थिंग अबाउट दिस स्टॉक। दोस्तों अगर हम इसको इस प्लेटफॉर्म पे भी एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी नोट करने वाली बात यह है कि कंपनी में यहाँ भी जो प्लेटफॉर्म जिन लोगों ने डिजाइन किया है दे डिड नॉट फाइंड एनी लिमिटेशन इन दिस कंपनी। उसके बाद अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो द कंपनी हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ 66.93 इन पास्ट 3 years। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की बहुत अच्छी लास्ट 3 साल की 39.03। पीईजी रेशियो इज 0.35। ये रेशियो शो करता है कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो स्टॉक के प्राइस से ज्यादा पेस से बढ़ रही है, मतलब आपका स्टॉक का प्राइस जिस पेस से बढ़ रहा है उससे ज्यादा पेस से स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। द कंपनी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज स्टैंड एट 8.81, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वैल्यू। तो दोस्तों अगर दोनों प्लेटफॉर्म की बात करें तो कंपनी में किसी भी तरह का कॉन्स नहीं मिला है, सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्स दैट दिस कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। सो दोस्तों अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है, पास में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दोनों प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कि दे डिड नॉट फाइंड एनी लिमिटेशन, सो दिस ऑल्सो गिव सम क्रेडिबिलिटी टू द एनालिसिस विच वी हैव डन। तो सारी चीजें कंपनी के बारे में पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिव चीज है वो ये है कि कंपनी का मार्केट कैप काफी कम है, कंपनी के ऊपर डेट भी है, स्टॉक में पास में वॉलेटिलिटी काफी रही है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि इस कंपनी को आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखें, स्टॉक को कंटिन्यूसली ट्रैक करें, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करने जाएं। मार्केट अगर बुलिश रहता है तो क्या लेवल आ सकते हैं ये हमने देख लिए हैं। तो प्लीज बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग एनी अमाउंट प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो वाज फॉर एजुकेशन पर्पस। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, वंदे मातरम।